हेलो माय डियर फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल मिशन सक्सेस में आपका स्वागत है। हम आपके लिए सीएससीटी कोर्स के 10 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आए माय डियर फ्रेंड। हमारा जो टॉपिक है आज का वह ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में माय डियर फ्रेंड। हम आपके लिए पार्ट सेकंड लेके आए ऑपरेटिंग सिस्टम का माय डियर फ्रेंड। अगर आपने हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम की पहले वाली वीडियो नहीं देखी हो माय डियर फ्रेंड, तो हमारे यूट्यूब चैनल मिशन सक्सेस में जाके देख सकते हैं माय डियर फ्रेंड। हमने सीएससीटी कोर्स की आपको तैयारी करवाने के लिए बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं माय डियर फ्रेंड, जैसे कि सेकेंडरी मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस और से बहुत सारे टॉपिक्स हैं माय डियर फ्रेंड, जिससे आप सीएससीटी कोर्स में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी माय डियर फ्रेंड। सीएससीटी अब आपके लिए दूर का नहीं है माय डियर फ्रेंड, अब ये आसानी से आपसे क्लियर हो सकता है, क्योंकि आपको हिंदी इंग्लिश टाइपिंग के साथ साथ आपको जनरल बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए कंप्यूटर के बारे में माय डियर फ्रेंड। कई बार सीएससीटी कोर्स में कुछ डीएफली क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बेसिकली बहुत कम बताए जाते हैं माय डियर फ्रेंड, तो हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लेके आए माय डियर फ्रेंड। हम आपसे क्वेश्चन में फर्स्ट में क्या पूछा है, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट माय डियर फ्रेंड, क्वेश्चन फर्स्ट में पूछा है वफरिंग और स्पूलिंग दोनों ओवरलैपिंग करने की एक प्रणाली है, इनमें से संबंधित कौन सा तथ्य जो है वो असत्य है। माय डियर फ्रेंड, आपको बताना है कि वफरिंग और स्पूलिंग जो होते हैं वो दोनों ओवरलैपिंग करने की एक प्रणाली होती है, इनमें से कौन सा जो तथ्य वो असत्य है माय डियर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन इस प्रकार का है माय डियर फ्रेंड, ऑप्शन ए वफरिंग के अंतर्गत एक ही बार में एक ही प्रोसेसिंग यूनिट के आउटपुट की ओवरलैपिंग संभव है, या ऑप्शन बी स्पूलिंग के अंतर्गत एक दो काम मुमकिन है, स्पूलर एक और काम को एक इनपुट को पढ़ता है तो दूसरी और काम के आउटपुट को प्रिंटर की भी करता है, या ऑप्शन सी स्पूलिंग का पूर्ण रूप साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन ऑन लाइन होता है, या ऑप्शन डी स्पूलर स्कैनिंग का काम करने में सक्षम होता है। माय डियर फ्रेंड, आपको बताना है जो बफरिंग और स्पूलिंग क्वेश्चन फर्स्ट में पूछा है, बफरिंग और स्पूलिंग जो होते हैं वो दोनों ओवरलैपिंग करने की प्रणाली होती है, पर इनमें से कौन से संबंधित जो तथ्य है वो बिल्कुल भी असत्य है माय डियर फ्रेंड, बिल्कुल भी रॉन्ग है माय डियर फ्रेंड। इनमें से आपको फॉल्स वर्ड बताना है कि फॉल्स लाइन कौन सी हो सकती है माय डियर फ्रेंड, ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने ही है माय डियर फ्रेंड। क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर में से क्या हो सकता है माय डियर फ्रेंड, क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर प्रकार का है वफरिंग और स्पूलिंग दोनों जो होते हैं ओवरलैपिंग करने की प्रणाली है, इनमें से जो तथ्य है माय डियर फ्रेंड वो गलत तथ्य वो है ऑप्शन डी स्पूलर स्कैनिंग का काम करने में सक्षम होता है। माय डियर फ्रेंड, जो स्पूलर होता है वो स्कैनिंग का काम करने में सक्षम बिल्कुल भी नहीं होता है, तो ये क्या होता है स्पूलर का काम बिल्कुल भी स्कैनिंग करने का नहीं होता है, इसलिए ये क्या है माय डियर फ्रेंड फॉल्स लाइन है। तो आपको ध्यान रखना है माय डियर फ्रेंड, कभी कभी सीएससीटी कोर्स में असत्य लाइन या सत्य लाइन भी पूछी जाती है, जो आपको बताना होता है कि कौन से तथ्य इसका गलत है या सही है माय डियर फ्रेंड। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या पूछा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड, क्वेश्चन सेकंड में क्या पूछा है, जब कंप्यूटर की मेन मेमोरी में से एक से अधिक प्रोग्राम चलते हैं तब इस क्रिया को क्या कहते हैं। माय डियर फ्रेंड, सिंपल सी बात पूछा है, क्वेश्चन में ही आंसर है माय डियर फ्रेंड, जब कंप्यूटर को हम मेन मेमोरी से क्या करेंगे एक से अधिक हम प्रोग्राम रन करेंगे माय डियर फ्रेंड, तो इस क्रिया को क्या कह सकते हैं। ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने है माय डियर फ्रेंड, ऑप्शन ए स्पूलिंग, ऑप्शन बी बफरिंग, ऑप्शन सी मल्टी प्रोग्रामिंग, या ऑप्शन डी सीरियल प्रोसेसिंग। माय डियर फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर में से क्या हो सकता है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर इस प्रकार का है, जब कंप्यूटर मेन मेमोरी से अधिक प्रोग्राम चलते हैं माय डियर फ्रेंड, तो हम उस क्रिया को क्या बोलेंगे माय डियर फ्रेंड, हम उस क्रिया को बोलेंगे मल्टी प्रोग्रामिंग। क्या बोलेंगे माय डियर फ्रेंड, मल्टी प्रोग्रामिंग बोलेंगे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी मल्टी प्रोग्रामिंग माय डियर फ्रेंड। कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं माय डियर फ्रेंड, मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होती है, इसके बारे में क्या होता है, तो माय डियर फ्रेंड हम धीरे धीरे आपको इन चीज़ों के बारे में भी बेसिक नॉलेज देंगे माय डियर फ्रेंड। हम आते हैं क्वेश्चन थ्री में क्या पूछा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री, टास्क क्या है माय डियर फ्रेंड, टास्क क्या है ये आपको बताना है माय डियर फ्रेंड। कंप्यूटर का टास्क एक अलग होता है और आप जो समझ रहे हो वो टास्क अलग होता है माय डियर फ्रेंड, तो आपको बताना है कि टास्क क्या है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने, ऑप्शन ए प्रोग्राम की चलती हुई स्थिति, ऑप्शन बी कंप्यूटर का सबक, या ऑप्शन सी कंप्यूटर का काम, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। माय डियर फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर थ्री का राइट आंसर इनमें से क्या हो सकता है माय डियर फ्रेंड, क्वेश्चन थ्री का राइट आंसर ये इस प्रकार का है माय डियर फ्रेंड, कि टास्क जो होता है माय डियर वो क्या होता है कि प्रोग्राम की चलती स्थिति होता है माय डियर फ्रेंड। क्या बताता है, प्रोग्राम की चलती स्थिति बताता है, टास्क का वर्क जो होता है माय डियर फ्रेंड वो क्या करता है, प्रोग्राम की चलती हुई स्थिति को बताता है। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर फोर माय डियर फ्रेंड, क्वेश्चन फोर में पूछा है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ दो या दो से अधिक टास्क को संपन्न करने में मदद करता है। माय डियर फ्रेंड, इसमें भी क्वेश्चन में ही आंसर है माय डियर फ्रेंड, मैं आपको स्पष्ट में समझाता हूँ कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो एक साथ दो या उससे अधिक टास्क को क्या कर लेता है, कंप्लीट कर लेता है माय डियर फ्रेंड। तो ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने माय डियर फ्रेंड, आपको सही ऑप्शन बताना है, ऑप्शन ए मल्टी यूज़र, ऑप्शन बी रियल टाइम, या ऑप्शन सी मल्टी टास्किंग, या ऑप्शन डी टाइम शेयरिंग। माय डियर फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फोर का राइट आंसर इनमें से क्या हो सकता है, क्वेश्चन में ही आंसर है माय डियर फ्रेंड,
दोस्तों क्वेश्चन फोर का राइट आंसर इस प्रकार का है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है माय डियर फ्रेंड वो कौन सा होगा, मल्टीटास्किंग का होगा। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो एक साथ दो या उससे अधिक टास्क को करता है संपन्न करने में मदद करता है माय डियर फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है माय डियर फ्रेंड। इससे रिलेटेड कई बार डीपली क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं माय डियर फ्रेंड। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। माय डियर फ्रेंड क्वेश्चन 5 में क्या पूछा है, किस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत दो या उससे अधिक टर्मिनल प्रयुक्त होते हैं। माय डियर फ्रेंड इसमें भी क्वेश्चन में ही आंसर है, आपको बस समझना है, मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसके अंतर्गत दो या उससे अधिक टर्मिनल प्रयुक्त होते हैं। माय डियर फ्रेंड टर्मिनल जो होते हैं वो प्रयुक्त होते हैं उसके अंदर दो या दो से अधिक, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने है, ऑप्शन ए मल्टी यूज़र, ऑप्शन बी रियल टाइल, या ऑप्शन सी मल्टी टास्किंग, या ऑप्शन डी टाइम शेयरिंग। माय डियर फ्रेंड क्वेश्चन 5 का राइट आंसर इनमें से क्या हो सकता है। माय डियर फ्रेंड क्वेश्चन 5 का राइट आंसर इस प्रकार का है, मल्टी यूज़र जो होता है वो मल्टी यूज़र का ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है एक से उससे अधिक टर्मिनल उसके अंदर क्या होते हैं प्रयुक्त होते हैं। माय डियर फ्रेंड तो आपको ध्यान रखना है मल्टी यूज़र। माय डियर फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत दो या उससे अधिक टर्मिनल जो प्रयुक्त होते हैं वो किस में होते हैं, मल्टी यूज़र में होते हैं। माय डियर फ्रेंड हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। माय डियर फ्रेंड टाइम शेयरिंग सिस्टम के बारे में कौन सी बात सत्य है। माय डियर फ्रेंड यह आपको तथ्य बताए गए हैं मैंने अभी, जैसे बताया था कि कई बार सीपीएससी कोर्स में इस प्रकार की बातें पूछी जाती है कि कौन सी बात जो है सत्य है या असत्य है, तथ्य बताना रहता है माय डियर फ्रेंड। तो आपको ये सब चीज़ों के बेसिक नॉलेज होना चाहिए माय डियर फ्रेंड। सीपीएससी कोर्स की आप तैयारी कर रहे हो या ट्रिपल सी या सी प्लस या ए सी सी या बी प्लस सी सी इस प्रकार के माय डियर फ्रेंड, ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने है क्वेश्चन 6 का। मैं आपको शॉर्ट में फिर से बता देता हूँ कि टाइम शेयरिंग सिस्टम के बारे में कौन सी बात जो है सत्य हो सकती है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने, ऑप्शन ए नेटवर्क पर आधारित, ऑप्शन बी ये प्राथमिकता के आधार पर काम करता है, या ऑप्शन सी प्रत्येक काम को समान टाइम स्लॉट दिया जाता है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। माय डियर फ्रेंड क्वेश्चन 6 का राइट आंसर इनमें से क्या हो सकता है। माय डियर फ्रेंड क्वेश्चन 6 का राइट आंसर इस प्रकार का है, जो तथ्य पूछा है टाइम शेयरिंग सिस्टम के बारे में माय डियर फ्रेंड वो है उसका राइट आंसर ऑप्शन सी प्रत्येक काम को समान टाइम स्लॉट दिया जाता है। माय डियर फ्रेंड जो भी टास्क जो टाइम शेयरिंग सिस्टम होता है माय डियर फ्रेंड टाइम शेयरिंग सिस्टम क्या करता है, प्रत्येक काम को समान टाइम पर क्या दिया जाता है, स्लॉट दिया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। माय डियर फ्रेंड क्वेश्चन 7 ने क्या पूछा है, रियल टाइम सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। माय डियर फ्रेंड आपको बताना है जो रियल टाइम सिस्टम होता है उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या हो सकता है। माय डियर फ्रेंड रियल टाइम सिस्टम की बात की जा रही है माय डियर फ्रेंड, ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने ही है, ऑप्शन ए टाइम बताना, या ऑप्शन बी समय जांच करना, या ऑप्शन डी क्विक रिस्पॉन्स टाइम प्रदान करना, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। माय डियर फ्रेंड क्वेश्चन से इनका राइट आंसर इनमें से क्या हो सकता है, आपको फिर से शॉर्ट में बताता हूँ, रियल टाइम सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य क्या हो सकता है। माय डियर फ्रेंड रियल टाइम सिस्टम, माय डियर फ्रेंड क्वेश्चन से इनका राइट आंसर इस प्रकार का है, रियल टाइम सिस्टम का जो पहला उद्देश्य होता है माय डियर फ्रेंड वो होता है क्विक रिस्पॉन्स टाइम प्रदान करना। माय डियर फ्रेंड इसका राइट आंसर ऑप्शन सी क्विक रिस्पॉन्स टाइम प्रदान करना। क्विक रिस्पॉन्स टाइम जो होता है वो रियल टाइम सिस्टम का बहुत ही पहला उद्देश्य होता है माय डियर फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है माय डियर फ्रेंड। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा क्वेश्चन नंबर 8। माय डियर फ्रेंड फिजिक्स में बात की गई रियल टाइम सिस्टम के बारे में कौन सी बात सत्य है। अभी हमने माय डियर फ्रेंड क्वेश्चन 7 में ही पढ़ा था कि रियल टाइम सिस्टम का पहला उद्देश्य क्या होता है, तो क्विक रिस्पॉन्स टाइम प्रदान करना होता है माय डियर फ्रेंड। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सी बात जो है वो सत्य है माय डियर फ्रेंड, कि रियल टाइम सिस्टम के बारे में कौन सी बात जो है सत्य है। ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने, ऑप्शन ए उच्च प्राथमिकता वाले काम को पहले संपन्न किया जाता है, या ऑप्शन बी ये प्राथमिकता आधारित नहीं है, या ऑप्शन सी प्रत्येक काम को समान टाइम स्लॉट मिलता है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। माय डियर फ्रेंड क्वेश्चन 8 का राइट आंसर इनमें से क्या हो सकता है। दोस्तों क्वेश्चन से इनका क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर इस प्रकार का है कि उच्च प्राथमिकता वाले काम को संपन्न किया जाता है। माय डियर फ्रेंड्स का राइट आंसर है ऑप्शन ए उच्च प्राथमिकता वाले काम को किया जाता है, पहले संपन्न किया जाता है, कि इसमें रियल टाइम सिस्टम के बारे में जो बात सत्य है वो क्या करता है, उसका जो पहला प्राथमिकता वाला काम है उसको संपन्न किया जाता है। पहला प्राथमिकता वाला कार्य क्या है, क्विक रिस्पॉन्स टाइम प्रदान करना। माय डियर फ्रेंड क्या करना, क्विक रिस्पॉन्स टाइम प्रदान करना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है। माय डियर फ्रेंड क्वेश्चन 9 में क्या पूछा है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और उससे जुड़े प्रोटोकॉल का एक संग्रह है।
इस सिस्टम से संबंधित कौन सी बात असत्य है? माय डियर फ्रेंड, मैंने क्या कहा था कि आपको असत्य और सत्य के बारे में बताना है। अब आपको बताना है कि इस सिस्टम में जो है कौन सी बात असत्य हो सकती है। मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि क्वेश्चन 9 में क्या पूछा है। जो आपका नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है सॉफ्टवेयर का, उससे जुड़े कुछ प्रोटोकॉल का एक संग्रह होता है माय डियर फ्रेंड, ये कलेक्टेड डाटा होते हैं माय डियर फ्रेंड। ये सिस्टम से अब बताना है कि इनमें से कौन सी बात जो है वो गलत है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने है। ऑप्शन ए, हर कंप्यूटर के पास अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। या ऑप्शन बी, उपभोक्ता होस्ट के विभिन्न संसाधनों तक अपनी पहुंच बना सकता है। या ऑप्शन सी, एक्सेस को नियंत्रित किया जा सकता है। या ऑप्शन डी, एक्सेस को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। माय डियर फ्रेंड, क्वेश्चन 9 का राइट आंसर में से क्या हो सकता है? जिसका राइट आंसर नहीं माय डियर फ्रेंड, असत्य लाइन जो हो सकती है वो किस प्रकार की होगी? माय डियर फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसका राइट आंसर इस प्रकार का है, एक्सेस को नियंत्रित किया जा सकता है जो है फॉल्स लाइन है माय डियर फ्रेंड। क्या लाइन है इसकी? फॉल्स लाइन है माय डियर फ्रेंड। ये गलत बात तथ्य है इसका, क्योंकि जो तथ्य है वो असत्य नहीं है इसका, असत्य है माय डियर फ्रेंड। क्योंकि एक्सेस को नियंत्रित किया जा सकता है, जबकि रियल में एक्सेस को नियंत्रण नहीं करता है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है माय डियर फ्रेंड से जुड़कर एक प्रोटोकॉल जो होता है वो क्या होता है, एक संग्रह करता है, कलेक्टेड करता है। सिस्टम में क्या होते हैं, जो बात बता रहा है एक्सेस को नियंत्रित किया जाता है माय डियर फ्रेंड, जो बात क्या है पूरी तरह से असत्य है माय डियर फ्रेंड्स। का राइट आंसर ऑप्शन सी। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 माय डियर फ्रेंड। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कौन सी बात सत्य है? माय डियर फ्रेंड, आपको बताना है कि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसके बारे में कौन सी बात जो है वो सत्य है माय डियर फ्रेंड। ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने है। ऑप्शन ए, ऑपरेटिंग सिस्टम केंद्रित होता है। ऑप्शन बी, ऑपरेटिंग सिस्टम कई होते हैं। या ऑप्शन सी, ये एक प्रोसेसर आधारित होता है। या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं माय डियर फ्रेंड। क्वेश्चन 10 का राइट आंसर क्या हो सकता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का माय डियर फ्रेंड? माय डियर फ्रेंड, क्वेश्चन 10 का राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, ऑपरेटिंग सिस्टम केंद्रीकृत होता है। माय डियर फ्रेंड, जो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम माय डियर फ्रेंड वो होता है जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, बैठा हुआ रहता है, वो क्या होता है कि सिस्टम पर केंद्रित होता है माय डियर फ्रेंड। जो उसकी बात क्या है, एकदम ट्रू है माय डियर फ्रेंड, क्या है, राइट है माय डियर फ्रेंड। दोस्तों, अगर आपको हमारी YouTube वीडियो पसंद आती है तो अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही सीबीएसईटी कोर्स से वीडियो बनाते रहेंगे, जिससे कि आपको सीबीएसईटी क्लियर करने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए माय डियर फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत।